Good afternoon, class. So now we are back with our another video that is solving exercise 1.3. So in previous class हम लोगों ने exercise 1.2 solve की थी और 1.2 में हम लोगों ने देखा था addition related properties. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे multiplication type, कि multiplication में हम कैसे properties का properly use कर सकते हैं, plus जो basic multiplication calculation है वो किस तरीके से होता है. So basic multiplication calculation हमको पता है कि जब एक नॉर्मल सा सम होता है जहाँ पर एक नंबर प्लस होगा दूसरा नंबर माइनस होगा तो उसका आंसर माइनस आएगा. ठीक है, जब दो साइन इक्वल होगी जैसे कि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होगा. तो ये चीज़ हमको, ये चारों चार रूल्स हमको बहुत अच्छे से पता है, जो कि एडिशन में ही फॉलो होते हैं वही सारे रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे. ठीक है, सो जैसे कि हम लोग फर्स्ट सम देखते हैं, तो फर्स्ट सम है 3 × -1. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 × -1 होता क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 × -1 क्या होता है कि 3 × 1 = 3. ठीक है, अब 3 का साइन पॉजिटिव है, 1 का साइन नेगेटिव है. ठीक है, तो 3 × 1 = 3 होगा. अब प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर. सिमिलरली हम करते हैं सेकेंड सम को सॉल्व, तो -1 × 225, तो 1 × 225 क्या होगा, 225. अब माइनस प्लस माइनस, इसका आंसर आ गया हमारा -225. सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, तो 21 × 30. ठीक है, अब 21 × 30 क्या होता है वो हमको पहले चेक करना है. तो 21 × 30 होता है 630. ठीक है, 630. अब माइनस माइनस प्लस, सो ये आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 316 × 1. 316 × 1 क्या होगा, तो 316 माइनस माइनस प्लस, तो सेम आंसर रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमको सारे सम सॉल्व करने. अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, -15 × 0 0 होगा, 0 × -18 तो 0 × -18, तो 0, कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा 0 ही आएगा. ठीक है, अब हम चलते हैं सिक्स सम की ओर. सिक्स सम है -12 × -11 × -10. सो -12 × -11 होता है हमारा 132. ठीक है, पॉजिटिव में मल्टीप्लाई बाय -10. अब 132 × -10 कितना होगा, सो -1320. सो इस तरीके से हमको सारे सम्स सॉल्व करने, स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है एंड हमको ये सारे सम्स सॉल्व करने हैं. ओके, तो वापस से हम लोग नेक्स्ट सम ले लेते हैं. ठीक है, सिमिलरली हम सारे सम वैसे ही सॉल्व करते रहेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट सम है 9 × -3 × -6. तो 9 × -3 होता है -27 एंड मल्टीप्लाई बाय -6. ठीक है, सो अब 27 × 6 क्या होता है, 162. माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आंसर रहेगा 162. ओके, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सम की ओर. ओके, -18 × -5 होता है 90 मल्टीप्लाई बाय -4. 90 × -4 होता है 360. ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, सो -360 होगा इसका आंसर. अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की ओर. नेक्स्ट सम है हमारा -1 × -2 × -3 × -4. तो पहले हम लोग -1 × -2 करेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव 2. फिर हम करेंगे 3 × 4. तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ये ग्रुप को मल्टीप्लाई किया, तो -1 × 2, तो ये 2 आया. -3 × -4 आया है 12. ठीक है, तो +12 आया, तो 2 × 12 होगा हमारा 24. तो ये हो गया हमारा आंसर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, दैट इज द लास्ट सम. तो हमको सारे सम्स एक ही तरीके से सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो अब ये है 3 × -6, तो 3 × -6 हो गया +18. -2 × -1 हो गया 2. अब 18 × 2 क्या होगा, 36. सिंपल. अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. अब क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या बताता है कि हम लोगों को वेरीफाई करना है कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं है. तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे LHS. ठीक है, अब LHS हमको दिया क्या है, LHS दिया है 18 ×
7 + -3। सो हम लोग बेसिक हमारा ब्रैकेट्स ऑफ बोर्ड मस वाला जो हम लोगों ने पेरेंथिसिस रूल पढ़ा है, तो वी विल सॉल्व लाइक दिस। ओके, तो 7 + -3 विल बी +4। ओके, सो 18, 18 इंटू 4 क्या होगा, 18 इंटू 4 होगा 72। ओके, सो LHS इज इक्वल टू 72। ओके, तो अब सिमिलरली हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। सो हमारा RHS क्या होगा, हमारा RHS हमको दिया हुआ है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है 18 इंटू 7 क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम RHS सॉल्व कर रहे हैं, तो 18 इंटू 7 क्या होगा, 18 इंटू 7 होगा हमारा 126। ठीक है, अब प्लस करना है 18 इंटू -3, 18 इंटू -3 क्या होगा, -54। तो अब क्या होगा, 126 -54। ठीक है, तो 126 -54 क्या होगा, सेम दैट इज 72। तो हियर वी कंक्लूड LHS इज इक्वल टू RHS, बिकॉज हमारा LHS की वैल्यू भी 72 आई, RHS की भी वैल्यू 72 आई, तो 72 इज इक्वल टू 72। सो हम देखने जाए तो ये शायद तो एक तरीके से कोई प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। सिमिलरली हम सेकेंड सम को सॉल्व करेंगे। सो हमको LHS यहाँ पर दिया हुआ है -21 -4 +-6। ओके, सो अब -21 तो हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय -4 +-6 होगा -10। सो अब -21 इंटू -10 होगा +210। ये हो गया हमारा LHS। अब हम फाइंड करेंगे RHS। अब RHS में क्या है कि RHS हमको दिया हुआ है -21 इंटू -4 +-21 इंटू -6। ठीक है, सो अब सेम हम इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज -21 इंटू 4, सो -21 इंटू 4 होगा हमारा 84। ठीक है, सो इट विल बी पॉजिटिव 84। अब -21 इंटू ये होगा हमारा 6, पॉजिटिव 126। ठीक है, अब 84 +126 होगा हमारा सेम 2110। सो यहाँ पर भी हम लोग ने प्रूफ कर लिया कि LHS इज इक्वल टू RHS, बिकॉज दोनों का आंसर 210 210 आया। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज द सेम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सिंपल। ये जो हम लोग सॉल्व करते हैं वही चीज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। अब पहला क्वेश्चन है कि फॉर एनी इंटीजर ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो -1 इंटू ए क्या होगा। सो बट ऑब्वियस है कि हम लोग अगर सॉल्व करें -1 इंटू ए इज इक्वल टू नथिंग बट -a, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगी वो ए के साथ चेंज हो जाएगी। ए के साथ कोई भी नंबर -1 मल्टीप्लाई होगा तो वो -a हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है, सिंपल सा लॉजिक है जो हम लोगों ने यूज किया है। तो ये भी कौन सा हो गया, ये हमारा शायद तक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वाला प्रॉपर्टी हो गया कि ए को हमको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर इनवर्स लेके आना हो तो दिस इज नथिंग बट द इनवर्स थिंग। अब
यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि जो ए है दैट इज 22, ओके, बी है दैट इज 37 एंड सी इज नथिंग बट 0। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है कि यहाँ पर हम लोग -22 कहाँ कैसे लेके आ सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, 22 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -22। ठीक है, फिर सॉरी ये यहाँ पर -22 आंसर है, तो -22, तो 22 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 37 आंसर लेके आना है। ठीक है, तो हम 37 को 37 को 1 के साथ -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -37। बट हमको क्या लाना है, यस पॉजिटिव 37। तो यहाँ पर -37 के साथ, -37 को -1 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज 0 × -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी नंबर 0 बनाना है और मल्टीप्लाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 इज इक्वल टू 1। अब हमको पैटर्न के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, सो पैटर्न हमारा किस हिसाब से फॉर्म होगा। सो अगर हम लोग लेते हैं -1 × 5, ओके, सो दैट विल बी -5। ठीक है, -1 × 5 होगा हमारा -5। अब हम क्या करेंगे, -1 × 4 लेंगे, दैट विल बी -4। सो ये कैसे होगा, सो ये होगा अगर हम -5 के अंदर 1 ऐड करें तो हमारा आंसर ये आएगा। सिमिलरली हम लोग लेंगे -1 × 3, दैट विल बी -3। तो यहाँ पर क्या होगा, -4 के अंदर हम लोग ने 1 ऐड किया तो -3 आ गया। सिमिलरली -1 × 2 करेंगे दैट विल बी -2। सो हाउ इट विल कम, -3 के अंदर 1 ऐड कर लिया तो ये आ गया। देन इट विल बी -1 × 1, दैट विल बी -1। सो इट विल बी नथिंग बट सेम, दैट विल बी -2 के अंदर हम लोग ने 1 ऐड किया तो आ गया हमारा -1। ठीक है, फिर आएगा -1 × 0, दैट विल बी नथिंग बट 0। ओके, सो यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, -1 के अंदर 1 को ऐड किया तो 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग करेंगे, ओके, सो यहाँ पर हम लोग करेंगे -1 × -1, दैट विल बी पॉजिटिव 1। सो यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, 0 को 1 के साथ ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 1। सो हम लोगों ने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर फॉलो किया। सो पहले 5 लिया, फिर 4, 3, 2, 1, 0, और सब में हम लोग 1, 1, 1 ऐड करते गए। ठीक है, सो ये हमारा हो गया एक पैटर्न। ठीक है, हम लोग रिवर्स ऑर्डर फॉलो किया, हम लोगों ने क्या किया, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। ओके, हम लोग ने इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर फाइंड किया। अब और पैटर्न में हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने जो भी हमारा आंसर आया, जैसे कि -5 इधर लिया और उसमें 1 ऐड किया तो -4 आ गया, तो -4 यहाँ पर लिया, 1 ऐड किया तो -3 आ गया, -3 यहाँ पर लिया, 1 ऐड किया तो -2 आ गया। दिस इज द पैटर्न दैट वी हैव फॉर्म्ड। ओके, अब हम लोग चलते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। अब हमको इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि -48 और -48 सेम है, तो हम लोग ने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी जहां पर क्या होता था कि ए सेम होता था, फिर हम लोग क्या करते थे, a × b+c करते थे, दैट इज इक्वल टू a × b+a × c। सो यहां पर ए सेम होता था। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर इन दोनों में ए सेम है, इन दोनों में ये ए सेम है, तो लेट a इज इक्वल टू -48, b इज इक्वल टू 26, c इज इक्वल टू -36। सो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेके इसको सॉल्व करेंगे। सो ये कैसे बनेगा हमारा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, -48 मल्टीप्लाई बाय 26, ओके, 26 -36, कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर ये बनेगा -48 इंटू -10, सो दिस विल बी 480। सो हियर वी हैव यूज डिस्ट्रीब्यूटिव
property. ओके सिंपल. सिमिलरली ये वाला ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिविटी. तो यहां पर होगा a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी. सो अब a इंटू बी, सो लेट अस से a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -125, c इज इक्वल टू 53. सो अब मैं क्या करूंगा, 8 इंटू -125 करूंगा, सो दैट विल गिव मी 1000, और 1000 को मैं क्या करूंगा 53 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा. तो क्या होगा कि जीरोस आ जाते ना, तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाता है. सो दिस विल बी 53000. ओके सो यहां पर मैंने यूज किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज यू कैन मल्टीप्लाई इन एनी मैनर. ओके यू कैन मल्टीप्लाई इन एनी मैनर. तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा. ठीक है, तुम इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा. सो दिस इज नथिंग बट योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके अंडरस्टूड. सो इसके बेस पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर. सो ये सम में हम लोग दो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज एसोसिएटिव ऑल्सो एंड कम्यूटेटिव ऑल्सो. सो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं ऑलमोस्ट जीरोज लेके आने की ट्राई करूंगा. सो इफ आई डू लाइक दिस, सो -25 इंटू -4 करूंगा, सो मेरा आंसर आ जाएगा 100. ठीक है, और मैं क्या करूंगा 100, और यहां पर क्या करूंगा मैं 15 इंटू -10 करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहां पर -150. ठीक है, तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा -15000. ओके सो ये था हमारा बहुत ही इजी कैलकुलेशन. सो यहां पर मैंने दो प्रॉपर्टी यूज की, दैट इज कम्यूटेटिव ऑल्सो आई कैन यूज. ओके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके सो इसका कहने का एक ही मतलब है कि आप कोई भी ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर तो यही आएगा. ओके सो दिस इज द सेम थिंग ओवर हियर. आई विल यूज नथिंग बट क्लोजर प्रॉपर्टी. इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा. ओके क्लोज सिंपल, आई विल यूज द क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज -41 इंटू 102. सो और एल्स आई कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो. सो मैं यहाँ पर कम्यूटेटिव एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों यूज कर सकता हूँ. ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे. सो दिस इज नथिंग बट 102 इज नथिंग बट 100 प्लस 2. सो मैं क्या करूंगा, -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2. ठीक है, तो ये बनेगा मेरा कुछ 4100 प्लस ये बनेगा मेरा -82. सो अगर मैं इन दोनों को ऐड और वो करूँ तो मेरा सब्ट्रैक करूँ तो मेरा आंसर आएगा -4182. सो इसको मैंने क्या बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव बना दी. ठीक है, ये प्रॉपर्टी को मैंने कुछ नहीं बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना दी. फाइन, सिमिलरली आई विल गो विद दिस वन. सो इसमें वापस है 625 625 सेम है, बट एक में माइनस है और एक में प्लस है. ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है. तो मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं 625 को एज इट इज कॉमन ले लूंगा. ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, -35. यहां पर क्या बचा, -1 इंटू 65, तो -1 इंटू 65 क्या होगा, -65. ठीक है, अब 625, ठीक है, तो अब 625 इंटू -100 हो जाएगा ये. सो सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 625 00, दैट विल बी नेगेटिव. ओके सो यहां पर भी मैंने सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किया. सो ये चीज हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करें और क्यों यूज करें. सिमिलरली यहां पर भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करूंगा. सो आई विल राइट 77 इंटू 50
minus 7 into 2. So this will be nothing but 350 और ये कुछ नहीं होगा 14 होगा. So अगर मैं 350 into 14 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा कुछ 336 something. Okay, 336 मेरा आंसर आएगा. So यहाँ पर भी मैंने क्या यूज़ किया, I have used a multiply by b. अब माइनस की साइन है तो मैं क्या करूँगा, a multiply by c. Simple. Okay, this is also nothing but distributive. अब यहाँ पर भी मैं सेम करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको ले लूँगा 30 माइनस 1, दैट विल बी 29. ओके, सो यहाँ पर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि माइनस 17 इंटू माइनस 30, ओके, और प्लस 1, दैट विल बी माइनस 29. And over here I will go with, okay, over here I will go with plus minus 17 into minus 1, okay. So ये हो जाएगा हमारा 510 positive plus ये हो जाएगा हमारा minus 17. So this will be nothing but 493. ओके, ओवर हियर ऑल्सो आई यूज डिस्ट्रीब्यूटिव, मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, एंड देन आई यूज द सेम थिंग, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी. ओके, यहां पर सी मैंने, इसको मैंने बी लिया, इसको मैंने सी ले लिया. ओके, सो आई होप लास्ट वन यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, so I am there and you can ask me. Last sum is homework, try it by yourself. So next, जो हमारे problem sums है वो next class में मैं complete कर लूँगा with exercise 1.4 as well. Okay?